से पापड़ उठाने जाना एक महिला को महंगा पड़ गया। दरअसल उसकी गैर मौजूदगी में एक वृद्ध महिला ने घर में घुसकर जेवरों समेत 6 लाख का माल चुरा लिया। जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुई इस घटना से परिसर में सनसनी मच गई है। जरीपटका के मिसल लेआउट गली नंबर 5 में रहने वाले मंदा राजेश मेश्राम ये शाम करीब 4:45 बजे के आसपास घर की छत पर सुखाए पापड़ उठाने गए हुए थे। उसी दौरान आरोपी महिला सत्या विजया नारनवरे उम्र 60 वर्ष ये घर में घुस गई और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर समेत 6,86,000 का माल चुरा ले गई। उसी दौरान शिकायतकर्ता का बेटा आया, उसने उक्त महिला से पूछा कि वो क्या कर रही है तो घर काम की बात कर निकल गई। जब लड़के ने अंदर जाके देखा तो अलमारी खुली हुई थी और पैसे जेवर सब गायब थे। तत्काल मंदा मेश्राम ने जरीपटका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। जांच के बाद गुप्त जानकारी के आधार पर आरोपी एनआईटी गार्डन परिसर पांच पावली निवासी सत्या विजया नारनवरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणाऱ्या सौ मंदा राजेश मेश्राम राहणार प्लॉट नंबर 56 मिसाल लेआउट गल्ली नंबर 5 पोलीस स्टेशन जरीपटका या त्यांच्या राहती घरी कुरड्या व पापड्या करण्यासाठी छतवर गेले असता घरातून सायंकाळी 17:45 ते 1800 वाजण्याच्या दरम्यान त्यांच्या घरातील एकूण 6,86,200 रुपयाचे सोन्याचे दागिने व त्यापैकी त्यामधील 30,000 रुपये रोख रक्कम अशी चोरीस गेली अशी तक्रार दिनांक 13/5/2023 रोजी सौ मंदा मेश्राम यांनी जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दिली। त्यावरून सदर बाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्याचा तपास जरीपटका पोलीस स्टेशन येथील पोलीस उपनिरीक्षक बजरंग खोमणे यांनी सुरू केला। तपासादरम्यान त्यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून त्यांनी सदर गुन्ह्यामध्ये सत्यविजया उमराव नारनवरे वय 60 वर्ष राहणार एन आय